हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जियो एफ 320 जो सेट है दोस्तों, वो दोस्तों हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम से कस्टमर लेके आए। दोस्तों हैंग ऑन लोगों पर अटक जाता है और कई बार ऑन हो जाता है, उसके बाद में जैसे नेट चलाता है तो अपडेट की दिक्कत भी आती है। दोस्तों सभी जितने भी मतलब ऐप है वो अपडेट की कंडीशन में आ चुके हैं दोस्तों, कस्टमर इसी कारण लेके आए हैं दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपको किसी लैपटॉप या किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे इसको समाधान कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलते हैं नए नए वीडियो लेकर आने का दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है, तभी आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों आप कर सकते हैं दोस्तों, और इसका समाधान दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले। ये देखिए दोस्तों, जियो हैंग ऑन लोगों पर अटक जाता है, कभी बार ओपन भी होता है कई कई बार, लेकिन पूरा प्रॉपरली ये वर्क नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों कस्टमर यहाँ पे लेके आया है दोस्तों, इसका हम समाधान करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बैटरी निकाल के फिर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। ये ऑन नहीं होने वाला है दोस्तों, मैंने दो तीन बार ट्राई किया है, हम इसकी बैटरी निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें काफ़ी टाइम वेट करने के बाद दोस्तों ये सेट ऑन नहीं है, इसकी बैटरी को निकाले हैं दोस्तों। आपको फिर से वापस बैटरी डालना है और यहाँ पे स्टार की को प्रेस करके और पावर की को प्रेस करना है, और जैसे ही दोस्तों डिस्प्ले में लाइट आने लग जाती है तो आपको पावर की को छोड़ देना है दोस्तों, और पावर की को छोड़ देना है। और पावर की को छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से जब तक डिस्प्ले में लाइट बंद हो जाए, तब दोस्तों डिस्प्ले में बंद होने के बाद ये डाउन वाला बटन दबाना आपको और ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट वाले पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है ना, ये वाला दोस्तों वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर आपको नो है यस करना है, रेड वाला दबाना है और यस कर देना है दोस्तों। ठीक है, फिर से आपको यस करना है, फिर से आपको वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट वाले पर क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट यस यस और रेड वाला दबा देना है। ठीक है दोस्तों, अब रिबूट सिस्टम कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमारा डाटा है दोस्तों वो रीसेट हो चुका है दोस्तों कम्प्लीटली, और सेटअप तैयार हो गया, अपडेट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सेट ये देखिए दोस्तों ऑन हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये दोस्तों कुछ परमिशन मांगेगा इसको, जिसको आप अलाउ कर देना है, जैसे लैंग्वेज है वो आपको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, कंट्री सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट कर लेना, नॉर्मल रहता है दोस्तों, ये आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आपको अनुमति देनी होती है दोस्तों टिक मार करके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। ठीक है।